एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। एंड टुडेज टॉपिक सिंगल कॉलम कैश बुक। तो आज हम बात करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का परफॉर्मा इधर बना है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी है। बट इससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बताती हूँ। सबसे पहले तो जो कैश बैलेंस होता है यानी ओपनिंग बैलेंस, वो हमेशा डेबिट में होता है, यानी कि डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस इसलिए होता है क्योंकि कैश बुक में ना कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो किया जाता है, और उसके साथ जो कैश का जो बैलेंस है, मीन्स जो कैश रिसिप्ट होते हैं, यानी ज़्यादा रिसिप्ट होते हैं, मतलब पेमेंट से ज़्यादा रिसिप्ट होते हैं, इसकी वजह से बैलेंस जो ब्रॉक डाउन है यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा डेबिट साइड होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और दूसरी बात कि जब बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, यानी कि रिसिप्ट के साइड भी आ सकता है और पेमेंट साइड भी। अब जो बैंक का जो है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, वो डेबिट साइड तो आता ही आता है, मीन्स ओपनिंग बैलेंस। बट जो क्रेडिट क्रेडिट साइड इसलिए आएगा क्योंकि जब ओवरड्राफ्ट यूज़ किया जाता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस में अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट में बैलेंस आता है बैंक का। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जितना आपने बैंक में डिपॉजिट किया है उससे ज़्यादा आप विड्रॉ करते हो तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ठीक है, और एक चीज़ और कि हमेशा जो डेबिट बैलेंस है कैश का वो ज़्यादा होता है इधर के क्रेडिट बैलेंस से। इसका मतलब डेबिट बैलेंस हमेशा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हमेशा जो रिसिप्ट है वो ज़्यादा होते हैं पेमेंट से। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ना कि ऐसा तो नहीं है ना कि पैसे हमने कम रिसिप्ट कर लिए और पेमेंट ज़्यादा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 2019 फर्स्ट मार्च स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 20,000, यानी 20,000 रुपये से बिजनेस को स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस ब्रॉक डाउन नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे कैश इन हैंड होता तो यहाँ पे लिखते हम टू बैलेंस ब्रॉक डाउन, बट यहाँ पे नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 20,000। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले कि 2019 को हम यहाँ पे शो करेंगे और फर्स्ट मार्च है ना, तो फर्स्ट, और हमेशा डेबिट को, ये हमारा डेबिट साइड है, ये है क्रेडिट साइड, ये रिसिप्ट्स है यानी यहाँ पे रिसिप्ट्स आती हैं जितनी भी आएंगी, और यहाँ पे सारे पेमेंट्स आते हैं। तो जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यानी बिजनेस में कैश आया, इसका मतलब बिजनेस में जब कैश से शुरुआत की जाती है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल, कॉमर्स लैंग्वेज में। तो टू कैपिटल कितना यहाँ देखिए रुपीज़, यहाँ भी हम रुपीज़ लिखेंगे और 20,000 रुपीज़ से। ठीक है, सेकंड है, जो सेकंड एंट्री है वो थर्ड मार्च को सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 4,000 रुपीज़, यानी कि कैश में गुड्स को सेल किया गया। तो जब सेल करेंगे तो इसका मतलब कि हमारे पास पैसे आएंगे। तो कितनी तारीख को, थर्ड को टू यहाँ पे एंट्री करेंगे सेल्स अकाउंट। ठीक, सेल्स अकाउंट कितने से, 4,000 से, ये डेबिट बैलेंस आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पैसा रिसिप्ट हो रहा है, हमने सेल किया। तो उसके बाद थर्ड देखते हैं एंट्री, फोर्थ मार्च को पे टू रवि रुपीज़ 5,000, यानी रवि को पे किया गया। तो पे किया गया इसका मतलब कि जो फॉर्म है उसके लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, कब का डेट लिखेंगे सबसे पहले, तो फोर्थ 2019 मार्च फोर्थ में बाय रवि, कितने से एंट्री करनी है, 5,000, यानी 5,000 पे किया रवि को। और यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा है, सिंगल कॉलम कैश बुक,
ये थोड़ी सी राइटिंग इसको इग्नोर करना। उसके बाद एट्थ है गुड परचेज फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट, यानी कि गुड्स जो माल है वो खरीदा गया ए से क्रेडिट पे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे, यानी कि जो 8 मार्च का जो ट्रांजेक्शन है वो इसमें नहीं होगा, ये कहाँ होगा, परचेज बुक में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 11th मार्च को पेड वेजिस रुपीज़ 6,000 रुपीज़, यानी कि 6,000 रुपये वेजिस को दिए गए। तो यहाँ पे डेट डालेंगे 11, वेजिस अकाउंट में कितने 6,000। उसके बाद 13 को पेड रेंट रुपीज 5,000, यानी रेंट भी पे किया गया। तो यानी कि ये भी फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, यानी पे किया है फॉर्म ने, तो ये भी इसकी भी एंट्री क्रेडिट साइड होगी। तो कितनी तारीख को, 13, ठीक है, रेंट अकाउंट। और यहाँ पे हमेशा बाय लिखते हैं, रेंट अकाउंट कितना है 5,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5,000 रुपीज़। उसके बाद 15 को है, यानी 15 मार्च की एंट्री है, रिसिप्ट कमीशन रुपीज़ 1,000, यानी कमीशन रिसीव हुआ। तो कहाँ पे एंट्री होगी, 15 को टू कमीशन, कमीशन अकाउंट कितने से है, 1,000 से। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे 1,000 रुपये से। ठीक है, उसके बाद 28 मार्च को विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस रुपीज़ 2,000 रुपीज़, यानी कि पर्सनल खर्चे के लिए 2,000 रुपये निकाले गए। तो इसका मतलब फॉर्म के लिए ये भी एक्सपेंस है, तो इसकी भी एंट्री हम कहाँ करेंगे, पेमेंट साइड। 28 मार्च को बाय, यहाँ पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट के नाम से लिखेंगे, कितना है 2,000 रुपये। अब ये हमारी जो छोटी सी एंट्री है, नॉर्मली जो मतलब इस तरीके की एंट्री होती हैं। तो अब हमारा सारा जो क्वेश्चन है ये पूरा मतलब कंप्लीट हो गया। अब हम ऐड करेंगे, सबसे पहले कि हम यहाँ पे जैसे ऐड करते हैं टोटल रिसीप्ट, टोटल RECE, टोटल रिसिप्ट में कितना हो गया, 24,000 और 25,000। तो यानी कि यहाँ 25,000, यहाँ भी 25,000। अब यहाँ देखते हैं कि क्रेडिट का बैलेंस कितना है, 5, 10, 15, 16, 17, 18, यानी 18,000। तो यहाँ पे 31 मार्च को बाय क्या है, ये पेमेंट है ना, टोटल पेमेंट कितनी है, पेमेंट्स 18,000। पेमेंट इतनी हो गई। अब यहाँ पे जो निकलेगा वो निकलेगा बाय बैलेंस CD, यानी क्लोज डाउन। तो यानी कि 25,000 में से लेस करेंगे 18,000, तो कितना बचेगा, 7,000। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस क्लोज डाउन में 7,000 रुपये लिख देंगे, और यहाँ भी लगता है और ये रूल भी है, यहाँ पे 25,000 रुपीज़, ये 31 मार्च का बैलेंस है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।